मैंने प्रसाद चढ़ाया था केला और सेब, तो उसको पहले खा लेती हूँ। तो यहाँ से ले लेती हूँ, तो चार बिस्किट खाएंगे और मैं तो सिर्फ चाय चाय पीऊँगी। और परिदेव का मैच भी शुरू हो गया है, तो आवाज़ आ रही होगी आपको, तो अभी पी लेते हैं चाय चाय वगैरह। तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाऊं, है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा। एवरीवन वेलकम बैक आवर चैनल और अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम दोनों भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:45 बजे से, और जैसे कि मैं सोकर उठ चुकी हूँ और आज तो मेरा सोना ना सोना बराबर ही जैसा हो गया है, पूरी रात ही मेरे को नींद नहीं आई है। और आज जैसे कि लास्ट नवरात्रा, 7वां नवरात्र, माँ कालरात्रि का दिन है आज, और आज मेरा है लास्ट व्रत। मैंने फर्स्ट रखा था और ये लास्ट रख रही हूँ क्योंकि कल हमने पूजा करनी है अष्टमी की। तो अभी मैं उठ ही चुकी हूँ, आज मैं उठी भी हूँ, और अब फटाफट से नहाते हैं, पहले झाड़ू वाड़ू कर लेते हैं, पोछा वोछा मार लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं चलती हूँ नहाने। और पतिदेव भी आज सोए नहीं हैं, अब सोएंगे वो, और उसके बाद मैं फिर नहाती हूँ और नहाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, पहले सफाई कर लेती हूँ फिर तो ब्रश कर लिया है मैंने और ल्यूक वार्म वाटर भी पी लिया है जो मैं पीती हूँ उठ के, और यहाँ झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा सब लगा दिया है बढ़िया करके। और बस अब मैं जाती हूँ फटाफट से नहाने, और नहा कर होती हूँ फटाफट रेडी, फिर करते हैं पूजा। तो पहले नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, तो बने रहिए और इन्जॉय करिए, स्टे ट्यून विद मी। तो मिलते हैं अभी। तो आज इस नवरात्रि लास्ट वाले दिन मैं कुछ डिफरेंट पहनने वाली हूँ, ना सूट ना साड़ी पहनने वाली हूँ, कॉर्ड सेट जो आजकल चल रहा है, आप सबको पता है कॉर्ड सेट क्या है, काफ़ी इंडिया में भी चल रहा है और यहाँ भी है। तो ये है मेरा कॉर्ड सेट, ये इसका ऊपर का है, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर का है, और ये इसका नीचे का है पजामा। तो अभी चलते हैं पहले नहाने, और नहा कर होते हैं फटाफट से रेडी और फिर दिखाते हैं कैसा लग रहा है कॉर्ड सेट। तो मिलते हैं अभी। तो नहा गई हूँ मैं और नहा कर आ गई हूँ, और मैंने वेयर कर लिया है कॉर्ड सेट, और अभी फटाफट से मुंह का मेकअप करते हैं, सिंदूर विंदूर एंड ऑल सब कुछ लगाते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। कि तैयार मैं हो गई हूँ, बस सिर्फ सिंदूर रह गया है, और आज पतिदेव जब उठे हैं तो पतिदेव से सिंदूर लगवाते हैं, एक बार शादी में लगाया था और आज लगाएंगे दूसरी बार। तो अभी पतिदेव से लगवाते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं लगाते हैं कि नहीं लगाते। लो चलो हो लो। और अभी लगाएंगे पतिदेव सिंदूर। ये कैसा वाला याद तो नहीं आ रहा? अबे नहीं, वो तो अंगूठी में डाल के लगाया था। पतिदेव लगाएंगे सिंदूर। अच्छा लग रहा है, और पूरा पीछे तक लगाया मैंने सिंदूर अपने वाइफ के, पूरे यहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा पीछे तक लगाया है। ठीक है, हो गया, लग गया। तो पतिदेव ने सिंदूर लगा दिया है, ओ पूरा यहाँ तक भरा, ये मुझे कहते हैं ना यहाँ तक भरा कर सिंदूर, तो आज इन्होंने खुद यहाँ तक सिंदूर लगा दिया। राइट राइट। हेलो पतिदेव, जय माता दी। जय माता दी। अब आप सो जाओ, ठीक है? अब आप सो, मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि अब टाइम हो गया ज़्यादा, 9 बजने वाले हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं और फिर करते हैं पूजा। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, लिपस्टिक विपस्टिक सब लगा कर, और बस अब फटाफट से चलते हैं पूजा, ये स्टॉल ले लेते हैं और करते हैं पूजा फटाफट से। और पतिदेव भी अब सो जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं, करते हैं पूजा फटाफट से। और स्टॉल मैंने ले लिया है, करते हैं पूजा।
और पहले ये बिछा देते हैं यहाँ पे मंदिर में, मंदिर में करते हैं पूजा यहाँ भगवान जी की। और अभी जब पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे मंदिर अपना, तो तब तक बने रहिए। तो यहाँ मेरी हो गई है पूजा, जय माँ काल रात्रि और जय माता दी, माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो ये हो गई है पूजा, जय माता दी। मेरी पूजा और आप लोगों ने मेरा मंदिर भी देख लिया है, पूजा कर ली है मैंने बढ़िया करके, और अब पीते हैं चाय वगैरह जो भी पीनी है वो पियेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे और क्योंकि आदत है लेट खाने की, तो आज तो टाइम से खा लिया था व्रत के चक्कर से और अब लग रही है भूख, तो चाय वगैरह देखती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ तो चाय वगैरह पी लूँगी, वरना देखते हैं जो भी बाकी फ्रूट्स वगैरह तो 12 बजे के बाद ही सही रहता है। और तो अभी खाते हैं, चाय पीते हैं, खाते तो नहीं हैं, चाय पीते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब तो हो गई है इवनिंग और पतिदेव भी उठ चुके हैं, पतिदेव उठकर नहा गए हैं और मैं बना रही हूँ पतिदेव के लिए चाय, और मैं भी पीऊँगी चाय क्योंकि शाम की चाय पीनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, तो चलते हैं चाय की तरफ, दूध वगैरह डाल। चाय बन गई है यहाँ पर, चाय में चढ़ा कर गई थी, ये चाय बन रही है, ये दूध डाल देते हैं। ओहो मॉइस्चर आ गया मेरे फ़ोन में भी, नहीं आया। तो यहाँ चाय हो रही है मेरी रेडी, अब चाय करते हैं अच्छे से रेडी और पतिदेव को बुलाते हैं चाय, और अब जब चाय बन जाएगी फिर मिलते हैं आपसे। चाय बन गई है और ये है मेरी चाय, और पतिदेव को भी दे दी है चाय, और पतिदेव तो चाय बिस्किट खाएंगे और मैं तो सिर्फ चाय चाय पीऊँगी, और पतिदेव का मैच भी शुरू हो गया है तो आवाज़ आ रही होगी आपको, तो अभी पी लेते हैं चाय, चाय वगैरह पीते हैं उसके बाद फिर, अभी कितने बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, उसके बाद फिर पूजा वूजा करेंगे, तो तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। से हेलो बेबी, पतिदेव पी रहे हैं चाय। तो पतिदेव चले गए हैं चाय वगैरह पी के, इवनिंग स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स तो क्या ही खाते हैं आजकल, और मैंने भी यहाँ पर साबुदाना भिगा दिया है क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम भी साबुदाना और इस बार भी साबुदाना। मेन रीज़न ये भी है कि कुट्टू का आटा यहाँ मिलता नहीं है आसपास, बहुत दूर ही मिलता है, और तो साबुदाना तो ईजीली मिल जाता है, और कल मैं गई थी तो वहाँ से कैरीफोर से बड़ा वाला साबुदाना लाई थी, और छोटा वाला पिछले बार का भी रखा हुआ था जो फर्स्ट उसमें बनाया था, तो दोनों को मैंने मिक्स करके भिगा दिया है। और बनाऊंगी आज आलू की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, आज लौकी बनाऊंगी क्योंकि लौकी भी फलहार ही होता है, तो लौकी को बनाऊंगी और साबुदाना बनाऊंगी और दही वगैरह है ही, देखती हूँ वरना रायता बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुदाना भिगा दिया है और उसके बाद अभी साबुदाना को थोड़ी देर भीगने देते हैं क्योंकि अभी तो टाइम है, 7 बजने वाले हैं, तो पहले मैं पूजा वगैरह कर लूँगी उसके बाद ही खाने की तैयारी करूँगी, फिर आराम से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और फिर खा लूँगी। तब तक सोच रही हूँ थोड़ा सा मम्मी से बात करती हूँ घर, और कपड़े भी जो मैंने धोए थे उनको भी तय वगैरह लगा लेती हूँ फटाफट से, तो अभी करते हैं काम, तो फिर मिलते हैं आपसे, पूजा वूजा कर लूँगी तब मिलूँगी आपसे। हो गई है मेरी पूजा और सभी लोगों को जय माता दी, तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं जय माता दी। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ और बना लेती हूँ अब क्या बोलते हैं व्रत वाला खाना, तो व्रत वाला खाना रेडी करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस व्रत में मैंने वो बनाया था आलू, तो इस बार मैं सोच रही हूँ लौकी बनाती हूँ, तो लौकी को पहले कट वगैरह कर लेते हैं। साबुदाना मैंने भिगा ही दिया था तो वो भीग चुका है, सोख हो गया है अच्छे से, अब बस मैं फटाफट से लौकी वगैरह कट करती हूँ और साबुदाना और लौकी की सब्जी और दही, तो करते हैं रेडी और फिर दिखाते हैं आप। तो मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से बनाती हूँ यहाँ पर, तो एक में सब्जी चुकेगी और एक में बनेगा साबुदाना। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कट कर दिया है, ये सब्जी के लिए और ये यहाँ पर साबुदाने के लिए, और साबुदाना भी अच्छे से सूख चुका है,
और घी से ही बनेगा सारा खाना। और इस बार मैं साबुदाने में मूंगफली भी डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहा मूंगफली डालकर और अच्छा टेस्ट आता है। तो लौकी वगैरह भी इधर सब कट हो गई है, और आलू साबुदाना के लिए है, इस बार कच्चा ही आलू डालूंगी, वो उसी में पक जाएगा, फिर साबुदाना डालेंगे। तो चलते हैं बनाना करते हैं स्टार्ट, और अब जब बन जाएगा तब मैं आपसे मिलूंगी, तब तक मैं मम्मी से भी बात करती हूँ और अपना खाना भी रेडी कर लेती हूँ। तो मेरा खाना हो चुका है रेडी, साबुदाना और लौकी की सब्जी, और अपने लिए मैं खीरा कट कर रही थी, और उससे पहले मैं लगाती हूँ माता रानी को भोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा खाना हो गया है रेडी, तो चलते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है सब कुछ रेडी, ये है मेरी लौकी की सब्जी, और ये है मेरा साबुदाना। वाओ इट्स यमी, दिखने में तो यमी लग रहा है। और ले निकाल लेते हैं भगवान जी के लिए, पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं, उनको लगाते हैं भोग, और आपको भी दिखाते हैं। तो लगाते हैं भगवान जी को भोग, और मैंने भगवान जी के लिए निकाल लिया है जो जो बनाया है, साबुदाना, लौकी की सब्जी और दही। तो यहाँ पर लगाते हैं भगवान जी को भोग। भोग लगाओ मेरी माता, भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरी माता, भोग लगाओ। तो यहाँ लग गया है भगवान जी को भोग, और भोग वगैरह लग गया है जैसे कि आपने देखा। और जो यहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ाया था, केला और सेब, तो उसको पहले खा लेती हूँ। तो यहाँ से ले लेती हूँ ये प्रसाद, माता रानी का प्रसाद लिया, और हम सबसे पहले इसको खाते हैं, इससे अपना व्रत खोलते हैं, और उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर व्रत वाला खाना खाएंगे। और तब तक मैं पतिदेव का भी वेट कर रही हूँ, उनको बोला है मैंने आ जाओ थोड़ा सा आप भी खा लो साबुदाना की खिचड़ी, तो अगर आ जाते हैं तो फिर खा लेंगे साथ में, नहीं तो फिर मैं ही टाइम से खा लूँगी। तो चलते हैं पहले इसको खाते हैं। प्रसाद मैंने खा लिया है, एक बनाना और एक एप्पल, एक बनाना पतिदेव के लिए छोड़ा है, थोड़ा सा वो भी खा लेंगे, और मैसेज कर दिया है मैंने आ रहे हैं वो, तो आते हैं तो फिर मैं निकालती हूँ प्रसाद, खाना निकालती हूँ अपना भी और उनका भी। और यहाँ पर मैं सुन रही हूँ भजन माता रानी के, और अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये सुनते हैं फिर खाते हैं, और कल जैसे कि है अष्टमी तो हम लोग अष्टमी करते हैं, तो आज व्रत ख़त्म हुए, मेरा तो खैर पहला और लास्ट ही था, तो काफ़ी अच्छे से गए 9 दिन, पता भी नहीं चला माँ के 9 दिन कैसे चले गए। और कल अष्टमी है जैसे कि, तो सुबह उठना टाइम से, सब कुछ बनाना है, चने मैंने इसीलिए अभी भिगा दिए हैं कि फिर भूल जाऊँ बाई चांस, और हलवा चने पूरी यही सब बनेगा, बाकी सब तो सुबह ही होगा। तो कल हम मंदिर भी जाएंगे, जो आपने प्रीवियस व्लॉग में मेरे मंदिर देखे होंगे, शिव जी का और एक राधा कृष्ण का, दो ही मंदिर है यहाँ पर, तो शिव जी वाले मंदिर में ही जाएंगे, तो वहाँ सभी भगवान हैं, तो कल मंदिर भी जाएंगे, तो फिर मंदिर वाला व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, अष्टमी वाला व्लॉग। तो इस व्लॉग में तो यही है कि आज ही का व्लॉग है, तो अभी आते हैं पतिदेव, फिर खाते हैं, तो जब खाना देती हैं उनको, वो आएंगे तब मिलवाते हैं। तो सबसे पहले खाएंगे भोग जो मैंने निकाला था माता रानी के लिए, सबसे पहले उसको खाएंगे। और पतिदेव भी आ गए हैं यहाँ पर, मैंने पतिदेव को बुलाया था कि आप भी आ जाओ और खा लो, तो सबसे पहले वाला भोग खाते हैं, और फिर उसके बाद आपको गर्मी हो रही है, फिर पतिदेव को भी खिलाते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया है साबुदाने की खिचड़ी, और ये लौकी की सब्जी, और उधर दही है, और पतिदेव के लिए सिर्फ खिचड़ी निकाली है, क्योंकि ये सिर्फ वही खाएंगे, है ना, सब्जी वो रात को खा लेंगे। तो सबसे पहले ये प्रसाद खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या है। साबुदाने की खिचड़ी, आलू है, मूंगफली, सही बना, सही हो रहा। तो पतिदेव ने तो खा के बता दिया है कि अच्छा बना है, और मैंने भी भोग खा लिया है, और अब इनको खाते हैं, और पहले खा लेते हैं। अच्छा
खा लिया है और अच्छा बना था, बट वो गिलगिला तो हो ही जाता है, पता नहीं कब बनेगा सही, आज दूसरी बार था। और तो बस अब ये भी चले गए हैं, जस्ट अभी गए हैं, टाइम भी हो गया है। और अब मैं धोती हूँ फटाफट बर्तन वर्तन। मैंने थोड़ा सा पानी गीजर के लिए ऑन किया है क्योंकि उसमें थोड़ा घी से बना था खाना, तो उसमें थोड़ा जम रहा है ना घी, तो फिर वो धुलेगा नहीं नॉर्मल पानी से, तो पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो फिर बर्तन धोते हैं और फिर थोड़ा मैं जाती हूँ क्यूएनएस, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है उसमें जाती हूँ। मैं नेल रिमूवर नहीं लाई हूँ, नेल पेंट रिमूवर नहीं लेकर आई थी घर से, तो वो चाहिए मेरे को। और कल जो हमें कन्या जमानी है, तो कन्या क्या, यहाँ तो कन्या मिलती नहीं है यार, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक ही है बस जो महेश सर की बेटी, उसी को फ़िलहाल दे देंगे, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ प्लेट लेकर आ जाते हैं, उस प्लेट में फिर उसको प्रसाद दे देंगे और उनके बेटे को दे देंगे। बाकी मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जैसा भी होगा, मंदिर में कन्या मिली तो वेल एंड गुड है, और अदरवाइज फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे और फिर मंदिर में माता रानी के दर्शन भी कर आ जाएंगे। तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं बर्तन वर्तन धोती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो बर्तन वगैरह सब धोकर और अब मैं जा रही हूँ फिलहाल नीचे, क्यों ना जाना है मेरे को, देखती हूँ खुला होगा कि नहीं खुला होगा। और ये कह रहे नीचे बारिश भी हो रही है, तो बारिश भी हो रही होगी तो वो भी आपको दिखाती हूँ, और चलती हूँ नीचे, फिर मिलती हूँ नीचे। तो मैं नीचे आई तो नीचे तो सच में बारिश हो रही है, अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, धीरे धीरे बारिश आ रही है। और मैं चलती हूँ इनके पास, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बारिश हो रही है। और ओमान में वैसे बारिश होती नहीं, और जब बारिश होती है तबाही हो जाती है, फ्लड्स वगैरह आ जाता है। और कल भी बहुत बारिश हुई यहाँ पर और काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। तो इनके पास पहुँचती हूँ फिर मिलती हूँ। तो हम जा रहे हैं क्यूएनएस, पति देव को देख सकते हो आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं फिर ये व्लॉग शुरू कर देगी, तो मैं आगे आगे चलता हूँ। और हो रही है बारिश, देख सकते हैं आप, चलते हैं क्यूएनएस पर मिलते हैं। और हम यहाँ पर आए और ये क्यूएनएस तो हो चुका है बंद, और अब चलते हैं घर। तो क्यूएनएस तो बंद हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस घर, और बारिश हो रही है, वाओ, पति देव को देख सकते हैं। फिर भाग रही पति देव तो ऐसे भाग रहे थे, तो पता नहीं क्या लेकर आ। घर आ गई हूँ मैं रूम पर, और बाहर आपने देखा बारिश भी हो रही थी, अब तो रुक गई है और सभी कुछ बंद हो चुका है। और कोई बात नहीं, फिर जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब लेकर आ जाएंगे रिमूवर वगैरह, ऐसी भी कोई जब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आज का व्लॉग इतना ही था, माँ काल रात्रि का दिन और नवरात्र आज ख़त्म हुए, वैसे तो कल ख़त्म होंगे अष्टमी करने के बाद, बट व्रत सबके आज संपन्न हुए जो अष्टमी करते हैं उनके, और जो नवमी करेंगे उनके कल ख़त्म होंगे। तो माता रानी की कृपा सब पर ऐसी बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर ऐसी रहे, और जय माता दी। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी से।